क्या आपको पता है कि पानी की एक बूंद से 50 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है? मैं ऐसा कोई फैक्ट नहीं बताने वाला, मैं जिस फैक्ट की बात करने वाला हूँ वो हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च में पाया गया है कि ऐसा पॉसिबल है। बट एक वाटर ड्रॉप से केवल 140 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, पर वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती, बट थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहती है, यानी कि उसका अगर तुरंत यूज कर लिया जाए तो यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पानी की एक ड्रॉप से कैसे हम 140 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, 2 साल की रिसर्च के बाद 5 जनवरी 2020 में हांगकांग के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वांग जुआंगकाई, उन्होंने रिसर्च की। वांग, उनके बारे में बता दूं जरा सा, वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो साइंटिस्ट भी हैं इस समय, और वो प्रोफेसर भी हैं। सो इस टाइम जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो टोटली नैनो मटेरियल पे रिसर्च कर रहे हैं। अब नैनो मटेरियल क्या होता है? नैनो मटेरियल ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि हम एटम्स के अंदर की चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो सब पर्टिकुलर एक मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो हम डायरेक्टली ले सकते। तो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी पे वांग जो है रिसर्च कर रहे हैं। सो उन्होंने रिसर्च करते हुए पाया कि वाटर की जो ड्रॉप ऊपर से गिरती है तो उसमें एनर्जी होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। सो वो एनर्जी नीचे जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरह से। सो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस एनर्जी का यूज कर लिया जाए। नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हुए एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है टर्बो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने ये टर्बो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। यहाँ पे क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके PTFE की कुछ प्लेट्स को तैयार किया। PTFE क्या होती है? पॉली टेट्रा क्लोरो एथिलीन, ये एक केमिकल नेम है। सो इस केमिकल का यूज करके एक प्लेट के दोनों तरफ वाटर को ड्रॉप कराया जाता है, लेकिन बीच में कुछ पार्ट से इसको सेपरेट कर देते ताकि जो चार्ज है वो दोनों तरफ स्टोर होता रहे, और इसके बाद में इसका जो साइड साइड का एरिया इसको टर्न कराते हैं ताकि सारा चार्ज एक जगह का स्टोर हो। उसके बाद यहाँ पे 2 टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, तो उनसे कनेक्ट करके हम वोल्टेज को यूज कर लिया गया है। इसका बेसिक कंसेप्ट जो लिया गया है वो लिया गया है FET से। अब FET क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसा है? जिसके आउटपुट वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं इनपुट वोल्टेज के करंट से। सो ये होता है FET। अब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 डायोड्स का। अब डायोड क्या होता है? डायोड इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस कंडक्ट द करंट इन फॉरवर्ड डिवाइस, मतलब कि एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है और दूसरी डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और करंट को फ्लो नहीं होने देता है। डायोड के बारे में सबको पता है, 12th क्लास में सबने लगभग पढ़ा होगा। सो इस प्रिंसिपल का यूज करके FETs का बनाया जाता है, और FETs के डिजाइन के बेस पे ही टर्बो इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिजाइन किया गया है। सो आई होप को आपको इस वीडियो में इतना ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी न्यूज़ मिल पा रही है। जब जैसे ही इससे कोई रिलेटेड अच्छा अपडेट आता है मैं आपको जरूर से जरूर वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोज लाता रहता हूँ आपके लिए। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।